चोर मामा जी दुकान के पीछे पड़ गए हैं। 15 दिन में दूसरी बार चोरों ने मामा जी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोर नोटों के हार और कटे फटे नोट भी ले गए। सबसे पहले आप सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहना है और हाथ में टॉर्च, नोटों के हार समेटता चोर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने का फुटेज कैद हुआ है। हाथ में टॉर्च लेकर घुसा चोर है। मामला थाना सदर समसवा रोड राजपुर सिंगी का है। उस स्थान का है जहां से कुछ ही दूरी पर सेना का गेट भी है। चोर ने शटर के कुंडे तोड़े और दुकान के अंदर दाखिल। टॉर्च लेकर चोर नोटों को भरता है। मामा जी की दुकान सुरेश अग्रवाल की है। सुरेश अग्रवाल कहते हैं चोर नोटों का हार ले गए, इसके अलावा नए नोटों की गड्डियां ले गए, साथ में कटे फटे नोट भी समेट कर चोर ले गए। आज सुबह लगभग 5 बजे 4:55 पर दुकान के ताले टूटे, आज कुंडे टूटे हैं जिसमें मैं नोटों के हार बेचता हूं, तो नोटों के हार चले गए करीब लगभग 30,000 रुपये के, और कैश 40,000, गड्डियां रखी थी नई, टोटल 70,000 का कैश, 70 और कुछ और भी थे 2-3 हज़ार रुपये, और फटे नोट भी थे कुछ, वो भी ले गए। 15 दिन में मामा जी दुकान में चोरी की दूसरी बार। 15 दिन पहले हुई चोरी की शिकायत थाना सदर में की जा चुकी, लेकिन मुकदमा लिखने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते चोर दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिए। जी हाँ, कैमरे तोड़ गए। जी हाँ, अभी 15 दिन पहले 7 फरवरी को चोरी हुई थी, उस दिन ताले काटे थे, उस दिन भी मेरे 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ था। सदर थाने के जी चोर पीछे पड़ गए, सब पीछे ही पड़ गए हैं, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तब भी हमने FIR की थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चोर मामा जी की दुकान के पीछे पड़ गया है, आसपास के दुकानदार भी दहशत में आ गए। मामा जी की दुकान 15 दिन में दूसरी बार चोरी। जिस तरीके से 15 दिन में दूसरी बार चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है, उससे ऐसा लगता है कि चोर मामा जी की दुकान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। शटर के ताले तोड़कर कुंडे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर नोटों के हाल ले गए, नोटों की गड्डियां ले गए। चोर CCTV कैमरे भी तोड़ गए। हालांकि चोरों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई, लेकिन जिस तरीके से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उससे जहां दुकानदार दहशत में है, वहीं आसपास के दुकानदार भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार चोरी होना अपने आप में बड़ी बात है। देखना होगा कि पुलिस कब तक CCTV फुटेज के आधार पर चोरों तक पहुंचती है। बहरहाल, लगातार हुई चोरी से हर कोई दहशत में है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।